So let's start with today's class. So before we start today's class, let me write that modern rule of accounting, modern rule of recording the transactions. And what was that modern rule जो हम simplify किए थे? Business में asset और expense बढ़ता है तो debit, घटता है तो credit, liability capital revenue बढ़ता है तो credit, घटता है तो. So अभी से लेकर के अगला एक सप्ताह तक, अगला 4-5 क्लासेस तक, जब भी हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, मतलब हम लोग जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे इस रूल को फॉलो करके, मॉडर्न रूल को फॉलो करके, तो मेक श्योर कि ये रूल आपके सामने में हमेशा रहे, राइट? इसको याद रखना बहुत बड़ा बात नहीं है. इसको याद रखने के लिए स्मार्ट वे यही है कि आप सिर्फ इंक्रीज याद रखिए, डिक्रीज उसका ऑपोजिट है. सो ए ई एल सी आर एल सर ए ई ऊपर का दो बढ़ेगा तो डेबिट, एल सी आर नीचे का तीन बढ़ेगा तो क्रेडिट, बस यही है. डिक्रीज क्या हो जाएगा? ऑपोजिट. आपको इंक्रीज पता है तो डिक्रीज भी ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा. आगे बढ़े, राइट? सो लास्ट क्लास हमने कुछ ट्रांजेक्शन दिया था, हमने दो ट्रांजेक्शन करी सॉल्व किया था. सो लेट्स पिक इट अप फ्रॉम देयर. सो टेल मी, कोई ट्रांजेक्शन बताइए लास्ट क्लास में हम लोग क्या क्या किए थे जो बचा हुआ है. ओके, सो एक ट्रांजेक्शन अभी हम लेते हैं, पेड रेंट इन कैश, पेड रेंट इन कैश 500, ठीक है. सो अभी पेड रेंट इन कैश ये ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं, फाइन. अब हमको इस ट्रांजैक्शन को पढ़ के ये समझना है कि इसमें वो कौन से चीज है जिसका हमें हिसाब रखना है, ठीक. सबसे पहले ये अप्रोच होना चाहिए कि ये ट्रांजैक्शन फाइन, इसे हमें रिकॉर्ड करना है, करेक्ट. लेकिन इसको रिकॉर्ड करने के पहले हमको देखना पड़ेगा कि हम इसमें क्या रिकॉर्ड करेंगे. हमको हिसाब रखना है ना, तो पहले हमको ट्रांजैक्शन पढ़ करके समझना है कि इसमें कौन से वो आइटम्स हैं जिन्हें हमें लिखना चाहिए, जिसका हमको हिसाब रखना चाहिए. तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमने रेंट दिया, भाड़ा दिया है कैश में, तो एक हमको कैश का तो हिसाब रखना चाहिए, क्योंकि कैश मेरे पास से क्या हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ कैश. कैश का पोजीशन क्या हो गया? चेंज हो गया, कैश बदल रहा है, कैश जा रहा है, करेक्ट. तो हमको कैश का हिसाब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? कैश अगर बिजनेस में है और कैश अगर बिजनेस से जाए तो उसका हिसाब तो रखना है. सेकंड जो हमको हिसाब रखना है वो इसका रखना है कि ये कैश किस कारण से जा रहा है. जब हम लोग कैश का हिसाब रखते हैं, जब हम लोग पैसा का हिसाब रखते हैं बच्चों, तो हम लोग पैसा के साथ साथ उन कारणों का भी हिसाब रखते हैं जिसके चलते पैसा आया है या जा रहा है. तो यहाँ पे वो कौन सा कारण है जिसका पैसा है? सो यहाँ पे वो रेंट है. सो निकल गया मेरा. ये दो चीज के हिसाब हमको रखना है. अब हमें सोचना है कि ये दो चीज ऊपर में जो मेरा आइटम है 5, ये किसके अंदर में फिट होते हैं? रेंट किसके अंदर में चला जाएगा? रेंट है एक्सपेंस, और कैश क्या है? हो गया, निकल के आ गया कि मेरा कौन सा कैटेगरी में फिट हो रहा है. अब हमको क्या सोचना है? बढ़ रहा है कि घट, यही होगा. कोई भी ट्रांजैक्शन या तो AELCR को बढ़ाएगा, यही तो आपको समझना है. बताओ, एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? बढ़ गया. रेंट इस महीना का भाड़ा लगा, तो इस महीना में एक एक्सपेंस मेरा बढ़ गया ना. रेंट एक नया रेंट एक्सपेंसेस के कॉलम में एक्सपेंसेस का जब लिस्ट बनाएंगे तो उसमें रेंट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा. सो रेंट मेरा जन एक्सपेंस बढ़ गया. एसेट घट गया, आ रहा है कि जा रहा है? तो माइनस कर दिया. अब रूल बैठाओ, ई बढ़ने से क्या होता है? डीआर. और ए घटने से क्या होता है? सीआर. हमेशा डीआर डेबिट ऊपर लेगा, क्रेडिट. अब इसको कैसे लिखेंगे? रेंट, बोलिए मेरे पीछे, रेंट अकाउंट डेबिट, मतलब रेंट अकाउंट विल बी रिपोर्टेड ऑन डेबिट साइड. डीआर का शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया था आपको, डीआर मींस डेबिट रिपोर्ट. क्या बोले? डेबिट रिपोर्ट. सो रेंट विल बी रिपोर्टेड वेयर? डेबिट साइड. एंड कैश विल बी रिपोर्टेड ऑन द क्रेडिट साइड. तो उसके लिए हम लोग क्या रिकॉर्ड क्या लिखते हैं? टू कैश अकाउंट. हाउ मच, कितना रुपया है? 500 रुपीज. सो 500 रुपीज हमने यहां पे लिख दिया.
कोई दिक्कत नहीं। अभी हम लोग सिर्फ हम लोग विदाउट फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है। एक बार हम लोग जर्नल बनाना सीख जाएंगे तो फॉर्मेट बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, स्केल लेकर के पेंसिल से लाइन डालना और कुछ नहीं करना है। चलिए सेकंड वाला बताइए क्या था, सोल्ड गुड्स। एक और लेते हैं हम लोग, ध्यान सबका यही है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1000, ठीक। हमने गुड्स बेचा, गुड्स क्या होता पते, गुड्स वो चीज होता है जिस चीज में हमारा ट्रेड है, बताए थे हमने आपको। गुड्स क्या है, गुड्स वो चीज है जिसे हम लोग खरीदते हैं। अच्छा ये ट्रांजैक्शन किसका है, बिजनेस का। हम लोग कौन है, बिजनेस। हम लोग किसके तरफ से सोच रहे हैं, बिजनेस। किसका बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है, बिजनेस। याद रखिएगा एवरीथिंग इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस। सो बिजनेस का सामान बिका, गुड्स बिका मतलब गुड्स हमारा वो चीज है जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं, जिस चीज को हम लोग खरीदे हैं बेचने के लिए, करेक्ट। सो इन दैट केस हमने गुड्स बेचा, सोल्ड गुड्स। आपको रिमेम्बर होगा कि मैंने कहा था कि जब भी हम लोग गुड्स बेचते हैं, सोदीप जब भी गुड्स बेचते हैं तो हम लोग एक वर्ड उसके लिए हम लोग ने डेवलप किया था, वो क्या वर्ड था, सेल्स। यानी कि बिजनेस में क्या हुआ, सेल्स हुआ। सो एक पहलू क्या है, सेल्स। ट्रांजेक्शन हुआ, बताओ इस ट्रांजेक्शन में किसका किसका हिसाब रखना चाहिए, एक सेल्स का हिसाब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। सामान बेच रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो बिजनेस में कितना सेल्स हो रहा है उस सेल्स का हिसाब रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, हाँ या ना। अच्छा अब सेल्स के साथ किसके हिसाब रखेंगे हम लोग, कैश, क्योंकि सेल्स की तो क्या आया, दो पहलू, एक पहलू की रेवेन्यू हुआ, सेल्स हुआ, दूसरा पहलू कैश आया, दूसरा पहलू कैश आया, एक पहलू गुड्स गया यही है और दूसरा पहलू कैश आया। तो गुड्स गया नहीं बोल करके हम लोग क्या लिखते हैं, सेल्स। और यहां पे लिखेंगे, यहां पे किसका हिसाब रखेंगे, कैश। तो कैश के हिसाब रखेंगे, क्लियर है। अब बताइए सेल्स बिजनेस के लिए क्या है, यहां पे आइए, ए ई एल सी आर। सेल्स को क्या मानोगे, सामान बेच रहे हो, बेचना। सेल्स क्या होगा, रेवेन्यू होगा, इनकम है हमारे लिए, बेचना। सो रेवेन्यू है। और कैश बिजनेस के लिए क्या है, एसेट है। अब बताओ रेवेन्यू, इनकम, बिजनेस का आमदनी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है भाई। और एसेट दोनों बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने से डेबिट और रेवेन्यू बढ़ने से क्रेडिट। जर्नल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना अमाउंट है, 1000। बताओ कोई दिक्कत है यहां पे, समझ में आ रहा है, कैसे आ रहा है, इजी है। अभी कोई कॉपी नहीं करेगा, कोई कॉपी नहीं कर रहा है, जिसका भी कॉपी करते हो देख लिया, कॉपी फाड़ेंगे उसका हम, नहीं तो सारा ट्रांजेक्शन बोलेंगे आप ही करो। अभी समय है ध्यान से सुनने का। चलिए नेक्स्ट क्या बताइए, bought goods on credit from Mohan, from किससे खरीदा गया, मोहन से खरीदा गया, रुपीस 800। सो ये ट्रांजेक्शन है, ये ट्रांजेक्शन हुआ। अब तुम्हें इस ट्रांजेक्शन को पढ़कर क्या समझना है कि इसमें किसका किसका हिसाब रखना है, किसका किसका पहलू अपने आप निकल के आ जाएगा। तुम करे ये देखो कि किसका किसका, बताइए इसमें किसका किसका हिसाब रखेंगे आप, गुड्स का रखेंगे। क्यों गुड्स का रखेंगे, क्योंकि गुड्स सेल्स, गुड्स का क्यों, गुड्स खरीदे भाई, सामान आया तो बिजनेस में अगर सामान आएगा तो सामान के हिसाब नहीं रखेंगे। अगर मेरा कपड़ा का दुकान है और हम कपड़ा खरीदे तो कपड़ा के हिसाब रखेंगे कि नहीं रखेंगे, रखेंगे। और मोहन का, क्यों मोहन के हिसाब रखेंगे, मोहन को याद क्यों करेंगे, मोहन का नाम क्यों लिखेंगे, क्योंकि मोहन से हम लोग और जिसको भी फ्यूचर में पैसा देना है या फ्यूचर में उससे पैसा लेना है उस इंसान को हमेशा याद रखना है, राइट। अकाउंट्स में
कॉमर्स में हम लोग उसी जन को याद रखते हैं, उसी व्यक्ति को याद रखते हैं जिससे या तो पैसा मिलेगा या तो जिसको पैसा देगा। और मोहन यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी, जिसे हम लोग कहते हैं क्रेडिटर। इफ यू रिमेम्बर, डेटर एंड क्रेडिटर मैंने समझाया था, क्रेडिटर मोहन हमारा क्रेडिटर है, मोहन हमारा लायबिलिटी है, क्योंकि मोहन को फ्यूचर में हमें पैसा देना है। सो देयरफॉर हमको मोहन का भी हिसाब रखना है। सो एक मोहन और एक गुड्स, सो हम लोग एक गुड्स का हिसाब रखेंगे और एक मोहन। अब एक चीज बताते हैं, जर्नल एंट्री में जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग कभी भी गुड्स वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। गुड्स बेचते हैं तो क्या मैंने कहा था, सेल्स। अभी क्या किया हमने, खरीदा है, बॉट है, तो क्या वर्ड यूज होगा, आप समय में आ रहा है, जब लोग अकाउंटिंग टर्म्स कर रहे थे, परचेज शब्द कब यूज होता है, सेल्स शब्द कब यूज होता है, परचेज वर्ड इज एक्सक्लूसिवली यूज ओनली फॉर गुड्स। जब जब भी हम लोग गुड्स खरीदेंगे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि बॉट गुड्स, हम लोग सीधा क्या बोलेंगे, परचेज। वो समझ में आ जाएगा, परचेज मतलब है कि हम लोग गुड्स खरीदे हैं। सो देयरफॉर यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, गुड्स ने लिख के करके क्या लिख रहे हैं, परचेज हो गया। परचेज बिजनेस के लिए क्या है, ए ई एल सी आर। परचेस को किस कैटेगरी में डालोगे, एक्सपेंस के कैटेगरी में डालोगे। परचेस को किस में डालोगे, और मोहन को किस कैटेगरी में डालोगे, लायबिलिटी के कैटेगरी में डालोगे। हो गया, अब बताओ एक्सपेंस बढ़ा कि घटा, खरीदा ना सामान तो एक्सपेंस बढ़ा कि घटा, लायबिलिटी बढ़ गया। लायबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट और एक्सपेंस बढ़ने से, देखो दो पहलू अपने आप आ जाएगा। आप करिए आइडेंटिफाई करोगे किसका किसका हिसाब रखना है, ठीक है। और भी ध्यान दो, अभी यहां पे परचेजेस या परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन कितना, 800। चलिए नेक्स्ट बताइए कौन है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राहुल। ओके, अब आया सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू। अच्छा बच्चा एक चीज ये बता दे, ये जो आप क्रेडिट शब्द सुन रहे हैं ना, ये वो वाला डेबिट क्रेडिट वाला क्रेडिट नहीं है, ये जो क्रेडिट है इसका मतलब होता है उधार, ठीक है, ये उधार वाला क्रेडिट है और ये वाला क्रेडिट अलग है, ठीक है। ये प्लस माइनस वाला जो हम लोग को बढ़ाने घटाने वाला डेबिट क्रेडिट, और ये जो क्रेडिट है ये उधार वाला। अब बताइए हम लोगों ने गुड्स बेचा राहुल को, तो इस ट्रांजैक्शन में किसका किसका हिसाब रखना चाहिए, गुड्स और, ठीक है, गुड्स और राहुल भी बोल सकते हैं आप, गुड्स या गुड्स एंड राहुल। नाउ वी विल नॉट यूज द वर्ड गुड्स, वी विल यूज द वर्ड सेल्स। एंड व्हाई वी आर रिमेंबरिंग राहुल, हम लोग राहुल के साथ क्यों रखेंगे प्रियांशु, उसको उधार नहीं, उसको उधार में सामान दिए हैं, तो उससे क्या हुआ, तो उससे हमको पैसा मिलेगा। सर हमको जिससे पैसा मिलेगा उसका याद रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बिजनेस एक राहुल के साथ डील नहीं कर रहा है, बिजनेस बहुत सारे कस्टमर को उधार में बेच रहा है, हाँ है ना, तो इसीलिए वो जिससे जिससे पैसा पाएगा उसका नाम लिख के रखेगा, तो इसलिए हम लोग राहुल का भी हिसाब रख रहे हैं। अब राहुल को हम लोग क्या मानते हैं, एसेट, वेरी गुड, एसेट है राहुल, एक्चुअली मेरा डेटर है। डेटर वो होता है जिससे फ्यूचर में पैसा आएगा, याद है, और डेटर बिजनेस के लिए क्या होता है, एसेट। अब चलिए बताइए सेल्स मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू, रेवेन्यू बिजनेस का इनकम, रेवेन्यू बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना भैया, सामान बेच रहे सेल्स कर रहे तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, बढ़ गया। बताओ एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, बिजनेस की तरफ से सोचना, राहुल के तरफ से मत सोचना, किसके तरफ से सोचना, बिजनेस के लिए। राहुल पहले डेटर था क्या, अब है, तो बिजनेस के लिए एक नया डेटर आया ना, बिजनेस के लिए एक नया एसेट आया कि नहीं आया, सो देयरफॉर मेरा बिजनेस में एसेट बढ़ा, बढ़ा तो डेबिट और रेवेन्यू बढ़ा तो क्रेडिट। जर्नल एंट्री, राहुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना है अमाउंट, 800। समझ में आया, हाँ, कोई दिक्कत है, हो जा रहा है, और है, और बचा है क्या कुछ, हाँ, 8 सैलरी टू कॉस्ट 600।
ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पेड सैलरी टू कौशल, अरे कौशल है, कुशल है, कुशल मंगल है, हम लोग उसे कोई टेंशन नहीं, अभी हम लोग एंट्री सीख रहे हैं। पेड सैलरी टू कुशल, बताइए किसका किसका हिसाब रखेंगे आदिरिजा? सैलरी का हिसाब रखेंगे और कुशल का हिसाब रखेंगे, सही कि गलत? गलत, आधा सही आधा गलत। सैलरी का हिसाब रखेंगे और कुशल का हिसाब रखेंगे, कुशल का हिसाब नहीं रखेंगे, कुशल का हिसाब क्यों रखेंगे? कुशल को दे दिए हम, सैलरी का हिसाब रखेंगे, कुशल को क्या देते हैं तो हम किसका हिसाब रखेंगे? सैलरी का रखेंगे। और उस सैलरी कुशल को कैसे दिए? बोल रहे पेड सैलरी टू कुशल, तो सैलरी में क्या दिए उसको? हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली, क्या दिए? पैसा दिए, तो किसका हिसाब रखेंगे? कैश का। तो यहाँ पे हमें सैलरी का हिसाब रखना है, याद रखना हमें यहाँ पे किसका हिसाब रखना है? सैलरी का हिसाब रखना है, और दूसरा यहाँ पे किसका हिसाब रखना है? कैश का। कुशल का हिसाब नहीं रखेंगे, कुशल को क्यों याद रखें हम? कुशल को याद रखने का क्या? हम कुशल, कुशल मेरा स्टाफ है, कुशल मेरे लिए काम करता है, हम उसको क्या देते हैं? सैलरी। तो बिजनेस सैलरीज का हिसाब रखेगा कि बिजनेस महीना में कितना सैलरी दे रहा है अपना स्टाफ को, वो स्टाफ का हिसाब। मेरे पास समझ में आ रहा है? आई गेटिंग माय पॉइंट? सो सैलरी, यहां पे सैलरी इज रिप्रेजेंटिंग कुशल, so we are not going to write kushal, what we are giving to kushal, we are giving salary, so instead of writing kushal we will write salary, salary ke hisab rakha jayega। jaise hum log rent pay karte hain, rent kisko pay karte hain? makan malik ko। yes sir। to humne makan malik ka naam likha tha kya? hum log kya likhe the? rent likhe the aur cash। samajh mein aaya? yes sir। so salary business ke liye bataiye kya hai? एक्सपेंस। कैश बिजनेस के लिए क्या है? एसेट। बताइए एक्सपेंस बढ़ा कि घटा? बढ़ा कि घटा? एसेट घटने से क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट। जर्नल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। समझ में आया? कितना रुपया? 600। नेक्स्ट बताना। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक इज 500। चलो बढ़िया है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 500। फ्रॉम बैंक रुपीज 500। क्लियर? इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक रुपीज 500। अब यहां पे हमको किसका किसका हिसाब रखना है? एक इंटरेस्ट का हिसाब रखना है, क्योंकि बैंक से क्या मिला हमको? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का हिसाब हम क्यों रख रहे हैं? क्योंकि इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? एक रेवेन्यू, एक आमदनी है। मैंने बैंक में पैसा रखा है, ठीक, मैंने बैंक में कुछ डिपॉजिट किया है और बैंक उसमें हमको इंटरेस्ट देता है। अब तुम सोचो, अगर तुम बैंक में पैसा रखोगे और बैंक तुमको इंटरेस्ट देगा तो तुम उस इंटरेस्ट का हिसाब रखोगे कि नहीं रखोगे? हाँ या ना? कॉमन सेंस है। सो बैंक हमको इंटरेस्ट दे रहा है तो हम इंटरेस्ट के हिसाब रखेंगे कि नहीं? कि कितना इंटरेस्ट आ रहा है मेरे पास, तो वो इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया? एक रेवेन्यू, एक आमदनी है भैया मेरे लिए। ये इंटरेस्ट हमको किस रूप में मिलता है? कैश। लेकिन एक चीज याद रखना, बैंक कभी भी इंटरेस्ट अगर आपको देगा बुलाकर काउंटर में हाथ में पैसा नहीं, वो क्या करता है? आपके अकाउंट में ही ट्रांसफर कर देता है। यानी कि आप कैश का नहीं बल्कि आप बैंक का, क्योंकि बैंक का हिसाब रखो, क्योंकि बैंक में पैसा क्या हो गया? बढ़ गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो अगर आपने बैंक में 1000 रुपया जमा किया था और बैंक आपको उस पर 10 रुपया का इंटरेस्ट दिया, तो अब आपका बैंक में 1010 रुपया है। सो योर बैंक बैलेंस क्या हो गया? चेंज। सो आप बैंक का हिसाब रखोगे ना कि
कैश का। अगर ये इंटरेस्ट बैंक से नहीं मिल करके बोलता किसी को व्यक्ति से मिला है, तब वो व्यक्ति हमको पैसा हाथ में लाकर देता, तब हम किसका हिसाब रखते हैं? कैश का रखते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट हमको देने वाला कौन है? तो बैंक हमको कभी भी हाथ में पैसा नहीं देगा, वो क्या करेगा? अकाउंट में डाल देगा। क्या करेगा? अकाउंट में डाल देगा। क्लियर है? समझ में आया? सो देयरफॉर हम लोग एक हिसाब रखे रहे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिले रेवेन्यू, रेवेन्यू मेरा बढ़ गया, नया इनकम आया, रेवेन्यू बढ़ा, क्रेडिट, और बैंक मेरे लिए क्या है? एसेट भी मेरा बढ़ा, बैंक में बैलेंस भी आया। किस कारण से आया? इंटरेस्ट के कारण से आया। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू क्या हो गया? मेरा बढ़ गया। सो रेवेन्यू बढ़ा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। और एसेट बढ़ा तो क्या हो जाएगा? डेबिट, मॉडर्न रूल के हिसाब से। तो जर्नल एंट्री होगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखिए हम जब चेक करते हैं ना जर्नल्स, तो हम एंट्री से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट, एंट्री से ज्यादा मेरा इंटरेस्ट रहता है, रुचि जिसको बोलते हैं, वो इसमें रहता है कि तुमने वो कैसे आइडेंटिफाई किया, दो पे किसका हिसाब रखना है, और उसको तुम कैसे मान रहे हो, क्या मान रहे हो। सो आई विल सी दैट हाउ डिड यू रीच टू दिस ट्रांजेक्शन, दिस जर्नल एंट्री। बहुत लोग क्या करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं, रट्टा मारने की कोशिश करते हैं जर्नल एंट्री को, लेकिन वो ज्यादा दिन तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं आगे फंसेंगे, बहुत बुरी तरह फंसेंगे। इसलिए हमें लॉजिकली करना है कि हम किस चीज को डेबिट कर रहे हैं, किस चीज को, मैंने इंटरेस्ट को क्रेडिट में रिपोर्ट किया, मैंने बैंक को डेबिट में रिपोर्ट किया। कोई मेरे से ये पूछ बैठे कि भैया तूने बैंक को डेबिट क्यों किया, तो मेरे के पास जवाब होना चाहिए कि बैंक मेरे लिए एसेट है। क्यों बैंक मेरे लिए एसेट है? क्योंकि कैश मेरे लिए एसेट है, और बैंक में हम क्या रखते हैं? कैश। तू भी मेरे लिए क्या हो गया? एसेट ही ना हो गया भाई। और जब बैंक हमको इंटरेस्ट दिया तो मेरा एसेट क्या हो गया? बैंक क्या हो गया? बढ़ गया, बढ़ने से डेबिट। और किस कारण से बढ़ा? इंटरेस्ट के कारण से बढ़ा। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू बढ़ा तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसलिए मैंने इंटरेस्ट को क्या मान लिया? रेवेन्यू, और उसको क्रेडिट कर दिया। सो आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई दैट व्हाई आई एम डेबिटिंग अ पर्टिकुलर अकाउंट। बैंक का हिसाब डेबिट और इंटरेस्ट का हिसाब क्रेडिट क्यों हुआ, ये जवाब मेरे पास होना चाहिए। तो वो हमको यहां से पता चल जाता है कि आप कैसे उसको कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग यही अप्रोच के करेंगे। हालांकि ये सारे जर्नल्स आपको फॉर्मेट में करना है, और ये सब चीज आपको मेंटली करना है। अभी तो हम आपको लिख लिख के दिखा रहे हैं, प्लस माइनस ये सब आपको सब कहां करना है? मेंटली, कॉपी में कुछ नहीं करना है। ठीक है, चले हाँ, रफ चाहे तो कर सकती है।